So in this video, I'll show you the cheapest lens that money can buy. And welcome back to the channel. I hope you are happy in what you are doing. And if not, phone chalana band kar do, thode din sab theek ho jayega. So when we start filmmaking, jab apan ek beginner hote hain, so we all think that we should have an expensive lens. But kya tumhe sahi mein expensive lens ki zarurat hoti hai? So we will find this in our video. So as we all are filmmakers, main is video pe photo wale part pe nahi ja raha hu ki is lens se photo kaise aati hai. I will talk about only the video part. So start karte hain. So is lens ka test karne ke liye main isko apne prime lens jaise use karunga. Aur iske liye main teen test karunga. Sabse pehle aata hai studio test, dusra aata hai apna vlog test, aur teesra apna ek B-roll बना के देखेंगे इस लेंस से. यार B-roll बनाने में बहुत टाइम हो गया. लास्ट B-roll मैंने अक्टूबर में बनाया था. सो लेट्स शिफ्ट टू दैट लेंस इन 3, 2, 1. वेल डू यू सी एनी डिफरेंस? तो ये लेंस का कमाल नहीं है, ये मेरी एडिटिंग का कमाल है. बिना एडिटिंग के ना ये कुछ ऐसा दिखता है. तो यहाँ मैंने बस एक मास्क लगा के उसके ऊपर गॉशन ब्लर डाल दिया था और थोड़ा सा उसको फेदर कर दिया था. तो ये कौन सा लेंस है? तुम लोग को पता ही होगा, अभी तक मैं किट लेंस के बारे में बात कर रहा हूँ. मोस्ट अंडररेटेड लेंस है ये. लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि भाई किट लेंस है, फोटो अच्छी नहीं आएगी, वीडियो अच्छा नहीं आएगा. लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता. वही किट लेंस जो कैमरे के साथ फ्री में मिलता है. तो जैसा लोगों ने इसकी हाइप बना के रखा है ना कि भाई किट लेंस अच्छा नहीं है, शार्प नहीं आती, फुटेज ऐसा होता है वैसा होता है. तुम कितना भी अच्छा लेंस ले लो, यूट्यूब में डालने के बाद वैसे भी यूट्यूब इसको कंप्रेस कर ही देता है. तो वैसे तो दिखती नहीं है फुटेज जैसा प्रीमियर से निकल के रहती है. तो किट लेंस भी तुम लोग यूज कर सकते हो. इतना ज्यादा मत सोचो, अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो कोई तुमको प्राइम लेंस की जरूरत नहीं है. मतलब प्राइम मतलब मैं 16mm प्राइम की बात कर रहा हूँ. अगर तुम लोग व्लॉगिंग के लिए उसको ले रहे हो, मैं करंटली तुम लोग को स्टूडियो में दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए कि स्टूडियो में भी तुम लोग किट लेंस को यूज कर सकते हो अगर अच्छी लाइटिंग के साथ यूज कर रहे हो. तो एक चीज मैं तुम लोग से पूछना चाहूंगा कि क्या तुम लोग को यूजेबल नहीं लग रहा है स्टूडियो पे? मतलब कमेंट करके बताना क्या तुम लोग को सही में लग रहा है कि ये यूज नहीं किया जा सकता. खर्चा करना जरूरी है क्या महंगे लेंस में? मतलब कि फ्री वाले पे भी काम चल जाएगा. अब तुम लोग बोलोगे कि भाई सचिन तो खुद तो 50mm 1.8 यूज़ करता है और हम लोग किट लेंस यूज़ करने बोल रहे हैं. अब देखो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो प्राइम लेंस. अगर नहीं है तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो नहीं अफोर्ड कर सकते, मतलब जिनको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है तब भी बनाना है वीडियो, तो किट लेंस पे भी काम चल जाता है. और देखो एक बात समझो, अगर तुम लोग 20,000 का भी ये 50mm 1.8 ले लोगे ना, उसके बाद भी तुम लोग लगेगा कि यार वो 1.5 लाख का 1635G Master F2.8 ले लेता तो क्या होता. तो ये जो अपना ह्यूमन ब्रेन है ना, वो हमेशा वैसे ही काम करता है. उसको हमेशा महंगी चीज़ें ही अच्छी लगती है, सस्ते की तरफ तो देखता भी नहीं है. ठीक है, भले ही सस्ती चीज़ें अच्छी हो. तो शायद तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि ये स्टूडियो में कैसा दिखता है. और लाइटिंग का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है. तो याद रखना, अगर अच्छी लाइटिंग कर रहे हो तो किट लेंस भी बहुत अच्छा लग सकता है. लाइटिंग के ऊपर भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया, तो तुम लोग वो भी देख सकते हो, यहाँ पर तुम लोग को मिल जाएगा शायद. तो अब इसका मैं ब्लॉग टेस्ट करने के लिए इसको बाहर ले जा रहा हूँ और उसके बाद अपने एक B-roll टेस्ट करेंगे इसी का. कैमरा वेलकम बैक टू द चैनल. जैसा तुम देख सकते हो ठीक ठाक ही दिख रहा होगा इसे. 16mm F3.5 पे. अब इस पर कैसे दिख रहा है मेरे को नहीं पता, क्योंकि इससे बहुत दिनों से मैंने ब्लॉगिंग नहीं की है, तो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो इस लेंस को लेके मैं अभी फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके B-roll बनाएंगे. ब्लॉग वाला टेस्ट तो तुम लोगों ने देख लिया दिन में कैसे दिखता है, वहाँ पर भी मैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग करूँगा, लेकिन B-roll तो वहीं बनाएंगे, तो वहीं देखते हैं जाके. सो एज यू सो ऑल द टेस्ट, बाकी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ. अब अफोर्ड कर सकते हो तो प्राइम लेंस ले सकते हो, और अगर नहीं तो किट लेंस में भी बहुत अच्छा काम चल जाएगा तुम्हारा. क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर भी देखा है जो किट लेंस चला के भी ना, जब तक छोटे से लेके बड़े नहीं बन गए तब तक किट लेंस चलाए हैं. तो तुम भी यूज़ कर ही सकते हो. और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि सोनी का किट लेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट है कैनन निकॉन और इस सब में से जो APS-C के साथ मिलता है. मेरे को फुल फ्रेम का नहीं पता इतना, क्योंकि अभी तक मेरे पास फुल फ्रेम नहीं आया है, APS-C में काम चल रहा है. तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर देना अपने व्यू, और उसके बाद सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो. और मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं ब्लॉग डालता हूँ, लिव अप सचिन करके,
तो उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसमें मैंने बहुत महीने से कुछ अपलोड नहीं किया है क्योंकि मैं इसी चैनल की प्लानिंग कर रहा था 3-4 महीने से। मेरे को तो याद भी नहीं मैं कब डाला था लास्ट उसमें व्लॉग, तो शायद नवंबर या दिसंबर में मैंने उसमें लास्ट व्लॉग डाला था और उसके बाद से वो चैनल वैसे ही पड़ा है। तो उसमें भी मैं अपलोडिंग चालू करने वाला हूँ, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो तुम लोग। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ख़त्म करते हैं, बाय।